चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर सर्किल पॉइंट चैनल पर आप सबों का एक बार स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं में एसएससी जीडी बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय सचिवालय का जो एग्जाम होने वाला है और एसएससी जीडी या कोई भी परीक्षा होगा, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं प्रश्न को। हम लोग पहला सवाल हम लोग के सामने है एनालॉजी से। 555, 125, 777 के बराबर पूछ रहा कि क्या वहां पर भरा जाएगा एनालॉजी। चलिए देखते हैं इसमें क्या किया है। इस टाइप के प्रश्न हम लोग एक पैटर्न विकसित करना होगा, तो देखते हैं इसमें 5 3 बार है और 5 का 3 बार मल्टीप्लाई किया है, 5 × 5 × 5। इसका मतलब हो गया कि 5 का अगर आप क्यू कर रहे हैं तो वो 125 हो रहा है। उसी तरीके से हम लोग को 7 × 7 × 7 करना है, अर्थात 7 का क्यू करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 343। 343 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अल्फाबेट से है, कोडिंग डिकोडिंग पर। ए डी जी बराबर लिखा है जेड डब्ल्यू टी, तो बी ई एच बराबर क्या होगा? तो आप देख रहे होंगे ए का अपोजिट किया है जेड, डी का अपोजिट किया है डब्ल्यू और टी का अपोजिट किया है जी। जी का अपोजिट ए डी जी है, तो जी का अपोजिट किया है टी और हम लोग से पूछ रहा है बी ई एच बराबर क्या बोलेगा। तो आपको पता होगा बी का अपोजिट वाई, वाई से याद रखेंगे बाय बाय से, बी का अपोजिट बाय, ई का अपोजिट भी होगा, एच का अपोजिट एस होगा। याद भी रख सकते हैं बाय बाय से बी का अपोजिट, इवनिंग से भी का और हाई स्कूल से एच का अपोजिट एस याद रख सकते हैं, अर्थात होगा वाई बी एस, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तीसरा जो प्रश्न है वो वेन डायग्राम से है। प्लास्टिक पेपर बैग को वेन आरेख द्वारा दर्शाना है, दिए गए ऑप्शन से कौन सा आपका मैच करेगा? प्लास्टिक पेपर बैग, तो आप लोग देख रहे हैं बैग प्लास्टिक पेपर, तो प्लास्टिक अलग होगा और पेपर भी अलग होगा, पेपर और प्लास्टिक में कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो बैग है वो पेपर से भी बनेगा और प्लास्टिक से भी बनेगा और ये ऑप्शन किस में होगा? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। फिर से ध्यान रखेंगे प्लास्टिक और पेपर में हमारा कोई संबंध नहीं है, प्लास्टिक और पेपर दोनों से बैग बनेगा तो बीच में आपका बैग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। चलिए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। सी एच ए आर जी ई आर चार्जर बराबर दिया है 6060, तो टी ओ डबल पी ई आर बराबर क्या होगा? कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। जब भी आप देखेंगे अल्फाबेट ज्यादा हो और डिजिट उसको कम में दिया है, अर्थात इसका मतलब पोजीशन लिखकर जोड़ा होगा या हो सकता है घटाया होगा, हो सकता है कि अपोजिट लेटर भी कर सकता है, तो हम लोगों को सबसे पहले पोजीशन याद रखना है। अगर आप सभी बच्चों चाहते हैं कि अल्फाबेट का पोजीशन का अगर वीडियो लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। एक क्लास अगर आप लोग अल्फाबेट के पोजीशन से ले लेंगे तो सभी पोजीशन आपको लगभग याद हो जाएगा। ऐसे देख लेते हैं, सी का पोजीशन 3, एच का 8, ए का 1, आर का 18, जी का 7, ई का 5 और आर का 18। सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। देखें 18 18 हमारा 36 हो जाएगा, 36 और 4 40 हो जाएगा, 40 और 8 48 हो जाएगा, 48 और इधर आपका हो गया 7 5 12, तो टोटल हो जाएगा 60। तो उसी तरीके से टॉपर बराबर देखते हैं, तो टी का पोजीशन 20, ओ का 15, पी का 16, पी का 16, ई का 5, आर का 18। तो 20 15 16 16 5 और 18 अगर सभी को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 90। जब भी इस तरीके का प्रश्न दिया रहे छोटा रहे, या तो संख्या को आपस में जोड़ रहा होगा या जोड़ने के बाद कुछ संख्या घटाता भी है बढ़ाता भी है, तो इस तरीके का आप प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, घर पर बनाएंगे तो सब आपका बनेगा। चलिए ध्यान देंगे 108
117, 126 इसमें देखिए क्या करना होता है, ये नंबर सीरीज का सवाल है, इसमें आपको पैटर्न विकसित करना होगा कि किस पैटर्न पर ये सवाल जा रहा है। तो देख रहे हैं शायद आप लोग को भी पता चल रहा हो, 108 में अगर 9 जोड़ देते हैं तो 17 हो जाता है, 117 में अगर 9 जोड़ देते हैं तो 126 हो जाएगा। उसी प्रकार यह संख्या 126 में 9 पर जोड़ दिया जाए तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा 135, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आज आपके लिए 5 महत्वपूर्ण सवाल, देखें इसको, समझ लें, घर पर प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग के और महत्वपूर्ण सवाल के साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।